दोस्तों सूरत की विजिट में हम लोग डॉग्स कवर करने वाले हैं और डॉग्स में पहला एपिसोड हम बनाएंगे सिज़ू के बारे में। सिज़ू के बारे में सब कुछ जानेंगे एक डॉग एक्सपर्ट्स के द्वारा, और मैं तो नहीं हूँ डॉग एक्सपर्ट लेकिन हमेशा गुरु जो हूँ मैं किसी ना किसी गुरु से आपको मिलवाता हूँ। तो आज शर्मा जी से मिलेंगे, सपना शर्मा जी हैं हमारे साथ। तो शर्मा मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है पेट गुरु पे। धन्यवाद, और आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए हमारी रिक्वेस्ट पे। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप बुलाने के लिए, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली लोगों तक एक अच्छा संदेश और एक अच्छे से वीडियोस पहुँचाने। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब मैडम आप सिज़ू के बारे में मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल। के सिज़ू ब्रीड किन लोगों के लिए है? या सर मैं यस मैं बोलना चाहूंगी कि पहले मैं सिज़ू के बारे में थोड़ा बताऊँ अगर तो ये ब्रीड बहुत ही क्यूट, पहले तो क्यूट है, ठीक है। आप देख सकते हो इसके पहले मैंने चार्वी के भी इतने हेयर रखे थे लेकिन मैंने उसके हेयर कट कर दिए हैं क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे डॉग हैं, उनको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। उस टॉपिक पे भी मैं आऊँगी। ये फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। एंड सिज़ू किनको लेना चाहिए, सबसे पहली बात कि जिनके पास स्मॉल छोटा घर हो, ठीक है। ऐसे तो या फ्लैट में रहते हो, फ्लैट में रहने वाले के लिए सिज़ू एकदम परफेक्ट ब्रीड है। ऐसे तो बंगलों में रहने वाले भी लोग ले सकते हैं लेकिन कोई लोग पूछते हैं कि हम कैसा डॉग सेलेक्ट करें कि फ्रेंडली हो, इमोशनली हो, तो जिनका घर थोड़ा छोटा है वो सिज़ू उनके लिए बेस्ट ब्रीड है। काफ़ी इमोशनली है, काफ़ी क्यूट है और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें। दोस्तों इस टॉय ब्रीड के बारे में जान लेते हैं, कहाँ से ये जो हैं और इनका लाइफ स्पैन क्या रहता है, इनको खाने में क्या देना चाहिए, सब जो है सपना मैडम थोड़ा सा इनका रूटीन के बारे में बताएंगी। ये और मैं कहूँगा कि मंथली कॉस्ट भी आप बताइए और किनको खरीदना चाहिए और किनको नहीं खरीदना चाहिए। मेरे जैसे आलसी अगर खरीद सकते कि नहीं वो ज़रा बताइएगा। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये ब्रीड बिलोंग करती है अपनी चाइना से, इसीलिए इसे टॉय ब्रीड और कोई कोई इसे चाइनीज ब्रीड भी कहते हैं कि कई बार आप देखो इसके फेस चाइनीज जैसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट ही होते हैं, तो इसे चाइनीज ब्रीड भी कहते हैं। एंड ये हर एटमोसफेयर में काफ़ी अच्छे हो रह जाते हैं, सूट हो जाते हैं, हर वेदर में सूट हो जाते हैं। लेकिन चूंकि इनके हेयर इतने ज़्यादा होते हैं तो इनको एसी की ज़रूरत पड़ती है। चूंकि मैं भी अपने घर पे जब इनको रखती हूँ तो मैं भी गर्मियों के समय में एसी मस्ट मैं रखती ही रखती हूँ अपने बच्चों के लिए एसी। एंड दूसरी चीज़ आती है कि किनको रखना चाहिए, तो इनको फ्लैट से लेकर के बंगलों तक के हर कोई रख सकते हैं। ये स्मॉल ब्रीड होती है, टॉय ब्रीड होती है, तो आप छोटे से फ्लैट में भी रख सकते हो और बड़े से बंगलों में भी रख सकते हो, आप देख सकते हो। और अब इनका है फूड का, बीच में थोड़ा सा टोक रहा हूँ जरूर। कुछ लोगों को ऐसा होता है जैसे कि मैं कहूँ इंडियन स्पीड है, यस, वो थोड़ा भले छोटा पैकेट बार्किंग, यस 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 बार्किंग बहुत करते हैं, नहीं अननोन पर्सन को तो थ्रेटन बहुत, यस बाइट भी करते हैं। तो इनका नेचर कैसा है? बहुत फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली, आप देख सकते हो बहुत ही फ्रेंडली है। सर के साथ भी बच्चे काफ़ी घुल मिल गए हैं, ये भी बहुत प्यारी, सब के सब बहुत फ्रेंडली हैं। मेरे घर पे इतने सारे डॉग हैं लेकिन सर को बिल्कुल डर नहीं लगा है शायद क्योंकि बहुत फ्रेंडली है। तो आप इनके एग्रेशन का अगर मैं बोलूँ तो ज़ीरो ज़ीरो एग्रेशन, एग्रेशन है ही नहीं इनके अंदर। लेकिन छोटे बच्चों के साथ भी इनको रखिए, छोटे बड़े किसी के भी साथ में, एडल्ट डॉग के साथ भी रखिए, सोशल हाँ बहुत ज़रूरी है कि आप इनको रखेंगे सोशलाइज डॉग के साथ ही रखिए क्योंकि ये खुद भी बहुत सोशलाइज होते हो और मेरे हिसाब से हर डॉग को सोशलाइज कराना बहुत ज़रूरी है। सिज़ू जैसी ब्रीड जो मैं बोलती हूँ कि बहुत क्यूट एंड बहुत फ्रेंडली होते हैं, कभी कभी देखने में आया है कि 100 में शायद 2-3% ऐसे सिज़ू डॉग होंगे। कई कई केस आते हैं कि शायद उन्होंने बोला हो कि मेरे अपने ओनर को उन्होंने बाइट किया हो या छोटे बच्चों को बाइट किया हो। इस पे एक चीज कहना चाहूंगा मैं, वो डिप्रेशन भी हो सकता है, हम लाइन में भी डिप्रेशन में रखते हैं, प्लस मालिक पे भी काटता है। यस यस, डॉग के अंदर जहां तक मुझे जानकारी है कि कहते हैं कि डॉग को 7 घंटे से ज्यादा अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ओके,
तो अगर आपकी जॉब ऐसी है या आपका काम ऐसा है तो भी आपको डॉग सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट, सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे जो इमोशनली डॉग होते हैं, फ्रेंडली डॉग होते हैं, जो घर के माहौल में सेट होते हैं, उनको 7 आवर्स से ज़्यादा अकेले हम नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड वो सोशलाइज नहीं होते। डॉग को सोशलाइज कराना बहुत ज़रूरी है। तो मैम आप हम आगे बढ़े इससे पहले आप अपना नंबर फिर से कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। यस 7777739113 और कैसे कॉन्टेक्ट करना वो बता दीजिए व्हाट्सएप पे। यस यस मेरे यहाँ काफ़ी इश्यू है, मैंने वाईफाई लगवा रखी है, हमारा घर सर ने देखा है कि जंगलों के बीच में है, खेत के बीच में है, तो यहाँ नेटवर्क नहीं आता। जब भी मैं घर के बाहर रहती हूँ तब व्हाट्सएप कॉलिंग भी होगी और नॉर्मल कॉल भी होगा, बट जैसे ही मैं अपने घर के अंदर आ जाती हूँ तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग होगी। तो इसके लेके आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग हो रही है, हम कॉल कर रहे हैं व्हाट्सएप कॉलिंग हो रही है, फ़ोन स्विच ऑफ है तो ये फ्रॉड होंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम ही ऐसी है कि नेटवर्क नहीं होने के वजह से हमने यहाँ पे पूरे घर पे वाईफाई कनेक्शन लगवा रखा है। यहाँ पर आप बताना चाहिए सिज़ू जो ब्रीड है वो लॉन्ग हेयर ब्रीड है, ठीक है, तो इसको जो है आप लोगों को ग्रूमिंग वगैरह करवाना रहता है, तो मंथली कॉस्ट भी हम आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा दिलाएंगे, क्योंकि मैंने हमेशा अपने अम्मी अब्बू से सीखा है दोस्तों के जितने चादर उतने पैर पसारने चाहिए, ठीक है। तो आप अगर ले आएंगे डॉग तो डॉग लाने में कोई बड़ी बात नहीं है, 20-25 हज़ार रुपये खर्च किए, लेकिन अगर आप इनको प्रॉपर दोस्तों पेट लवर वही है जो इनको बच्चों की तरह खुद भूखा रहे लेकिन इनको अच्छा खाना दे, इनकी ग्रूमिंग करे, ठीक है, तो इसके बारे में हम मैडम से सवाल करेंगे। आई नो कि इससे मैडम के क्लाइंट जा भी सकते हैं कि जो जिनका खरीद सकते हैं लेकिन वो मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वहीं पर जाए जहाँ इनकी केयर बेस्ट से बेस्ट हो। तो मैम थोड़ा सा बताइए कि क्या इनकी केयर करनी पड़ेगी और इसमें खर्चा कितना होगा, क्या क्या केयर करनी पड़ेगी खास पहले ये बताइए। सबसे पहले इनकी केयर है कि आप इनको इनका सबसे पहले आप फूड देखिए कि जब बच्चे छोटे होते हैं 3-4 महीने के होते 5 महीने के होते तब उनको ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब उनको प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर डॉक्टर विजिट, मतलब मंथली आप डॉक्टर विजिट कराइए बहुत अच्छा है, एंड सबसे कि इनको डॉक्टर के गाइडलाइंस में फूड, डॉक्टर जो सजेस्ट कर रहे हैं फूड कि क्या फूड इनको देना चाहिए, वो फूड आपके एरिया में कौन सा अवेलेबल है वो इसको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराइए 18 मंथ तक, 18 महीने तक बहुत ज़रूरी है कि आप इनको डॉक्टर के गाइडलाइंस में चलिए। क्योंकि मैं इस डॉक्टर का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डॉक्टर जो सजेस्ट करेंगे वो बेस्ट ही होगा, ऐसे मैं भी सजेस्ट कर देती हूँ कि 3 महीने तक जब बच्चे छोटे रहते हैं 3 महीने तक इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो उस वजह से इनको प्रॉपर अच्छे से अच्छा फूड देना है, अच्छे से अच्छे इसको जो प्रॉपर डॉक्टर वैक्सीनेशन देते हैं वैक्सीनेशन करवानी है एंड केयर करना है कि बहुत ज़्यादा लोग इसे टच ना करें। मैं एक ही बात कहूँगी, जैसे हम अपने छोटे बेबी को हर किसी को टच नहीं करने देते, वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं, गंदगी से बचाते हैं, धूल मिट्टी से बचाते हैं, वैसे ये आपके डॉग नहीं, आपके न्यू फैमिली मेंबर, आपके छोटे बच्चे हैं, तो जैसे हम बच्चों को केयर करते हैं वैसे ही इनकी केयर एटलीस्ट 5 से 6 महीने तक करनी है जब तक इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाए। वैक्सीनेशन कितने साल तक होती है कोई भी जनरली डॉग? हाँ, पूरे लाइफ टाइम इसकी वैक्सीनेशन होती है। अच्छा। और एक चीज होती है डिवर्मिंग। वैक्सीनेशन साल में होती है लेकिन डिवर्मिंग जैसे डॉग मेरे यहाँ जो मुझे डॉक्टर ने बोला कि जब तक बच्चे 6 महीने के हैं तो आप हर 15 दिन में डिवर्मिंग करो, बच्चे जब 6 महीने के ऊपर हो जाएंगे तो उनकी मंथली डिवर्मिंग आप करो। तो मेरे यहाँ प्रॉपर मंथली डिवर्मिंग, ईयरली वैक्सीनेशन, मंथली विजिट डॉक्टर, ऑल चीज़ अवेलेबल है। अब सेकेंड हम आते हैं इनकी ग्रूमिंग की। इनकी ग्रूमिंग स्टार्ट होती है आफ्टर 6 मंथ, जब ये छोटे होते हैं, लाइक ऐसे छोटे बेबी होते हैं घर पे की जा सकती तो घर पे की जा सकती है। यस, लेकिन जब ये ऐसे बड़े हो जाते हैं, इससे भी लंबे हेयर देखे हेयर बिल्कुल होते हैं। यस यस, ये अभी छोटी बच्ची है, सिर्फ 6 महीने की है एंड इसके हेयर इतने हैं, जब ये 1 साल की हो जाएगी इसके हेयर इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ये लाइक पाँव से नीचे इनके हेयर होंगे, कि चोटियाँ जैसे गर्ल्स चोटियाँ करती है वैसे चोटी करके इनकी रखनी पड़ती है। तो उसके लिए अगर आप ग्रूमर नहीं हो तो आपको प्रॉपर इनको बाहर जाके ग्रूम करवाना पड़ेगा। एक ग्रूमिंग का खर्चा डिपेंड करता है कि आप कैसे शॉप पे जा रहे हो,
स्टार्टिंग साइज 600 से शायद स्टार्ट होती है एरिया के हिसाब से, एंड आप कौन सी जगह पे रहते हो, लोकेशन क्या है उसके हिसाब से। तो स्टार्टिंग तो 600 से होती है, अब जितना जाओ 1000 2000 महीने में एक बार कितनी बार कराना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि आप उनको मेंटेन, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इसको ग्रूमिंग कर दो, पार्लर में गए मंथली अपने ग्रूमिंग करवाई, ग्रूमिंग करवा के ला के घर पे ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं आपको इसको सुबह में शाम में दो टाइम इस तरह की ब्रश आती है, इस तरह की कोम आती है, इस ब्रश से इसको सुबह शाम ऐसे कंघी करनी है, ब्रश करनी है ताकि इनके हेयर एक दूसरे से टच ना हो। ये आपको पर डे पार्लर के अलावा भी पर डे करना है, और अगर आप इनको ग्रूमिंग कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, तो यकीन मानिए इनसे ज़्यादा खूबसूरत और कोई ब्रीड नहीं लगेगी। ये मेरे हिसाब से, मेरा सजेशन ऐसा कहता है। अभी अपने पास मैम कौन सा अवेलेबल है? अभी मेरे पास सिज्जू अवेलेबल है एंड गोल्डन रेट्रीवर। ओके, और रेंज कहाँ से सिज्जू की स्टार्ट होती है? सिज्जू की मेरी रेंज स्टार्ट होती है 20,000 से। और बता दीजिए कि केसीआई है? यस यस यस, मेरे कई बार क्लाइंट होते हैं, कहते हैं कि अगर मुझे केसीआई आप नहीं दोगे तो क्या प्राइस लोगे, कम करोगे, नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं है। मैं अपने हर क्लाइंट से बताना चाहूँगी कि मेरे पास से आप जो भी बच्चे लोगे वो केसीआई रजिस्टर्ड ही होंगे, चाहे आप पेपर लो या न लो। पेपर तो जब बच्चा जन्म लेगा मेरे घर पे तो उसके पेपर बनेंगे ही बनेंगे, तो वो पेपर हमारे प्राइस के साथ इंक्लूड ही रहते हैं। और सेकेंड चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी कोई, मेरी रिक्वेस्ट है, ये मैं मेंशन कर रही हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं जब बच्चा सेल करती हूँ तो जो भी क्लाइंट होते हैं, अगर वो हमारे यहाँ सूरत के या फिर जिनको हमारे घर पे आना है, तो वो हमारे घर पे आकर के देख करके बच्चा ले सकते हैं। और अगर बाहर किसी जगह से, जैसे कि अहमदाबाद हो या राजकोट हो या गुजरात हो या गुजरात के बाहर, जब उनको कोई हमारे पास से डॉग परचेस करना होता है तो हम फुल पेमेंट एडवांस लेते हैं। जब हमारे पास हमारी पूरी पेमेंट एडवांस आ जाती है, उसके बाद हम ये बच्चा उनको डिलीवर करते हैं, तो डिलीवरी की भी अलग चार्जेस होती है जो क्लाइंट को देनी पड़ती है। और मैम काफी लोगों का सवाल रहता है, जैसे कि मदर फादर देखने होते हैं, yes, आपके पास अवेलेबल रहेंगे कई बार? बिल्कुल में होते हैं कई, या बिल्कुल, मैं मेरे यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि मेरे यहाँ फादर भी अवेलेबल होते हैं, मदर भी अवेलेबल होते हैं, और आपको इतने हेयर नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, दो बच्चे एक दूसरे के साथ, डॉग भी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, और मैं हर दिन उनकी ग्रूमिंग नहीं कर सकती, तो मैं मेरे मैक्सिमम डॉग के हेयर कट करके रखती हूँ जो ब्रीडिंग में, या जो ब्रीडिंग में है और या फिर जो मैं घर पे रख रखी हूँ। अभी देखिए वो मेरी बेला है जी। इसके हेयर बहुत ज़्यादा हो गए थे, एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खेलती है, बहुत ज़्यादा, तो दोनों एक दूसरे को पकड़ती है, बाल पकड़ती है, ये पकड़ती है, तो इसके जो हेयर है ना बहुत ज़्यादा, जैसे एक दूसरे से ये हो गए थे, हम लोग कहते गांठें बन गई थी, तो मैंने इसके हेयर कट कर दिए, और इसके बहुत ज़्यादा हेयर थे, दोनों एक ही एज के। नहीं नहीं, ये दोनों बच्चे मेरी होम ब्रीडिंग है, इसका नाम है प्रिंसी, प्रिंसेस, या प्रिंस, इसका पूरा नाम अगर बोले प्रिंसेस फ्लोरा है, और इसका नाम प्रिंसेस बेला है, और इसका नाम हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये अभी सेल के लिए है। ठीक है, तो हम जहां जाएगी वो वहाँ, या मेल है ये, इसका हम प्यार से इसको गोला बोलते हैं। हाँ गोला, नीनी आ रहे है मेरे गोला को, है ना, जब हम इसे बात करते हैं ये भी आता है हमसे बात करने के लिए, और ये हमारे साथ मेरे बिस्तर पे ही सोता है, ऐसे ही सोता है, भूख लगती है खाना खा भी मांगता है, बिस्तर पे ही खाता है ये। इनका इंटेलिजेंस लेवल क्या होता होगा? बहुत अच्छा, मतलब अगर डॉग का बोले तो अब मैं पूरे डॉग का ही बोलती हूँ कि डॉग इतने इंटेलिजेंट होते हैं, ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं डॉग। अब अलग अलग ब्रीड का अलग अलग है, अभी इनको तो पता नहीं है कि हाँ, अगर इंटेलिजेंट नहीं होते तो, और जैसे हमें हमारा नाम पता है, इसे इनका नाम पता नहीं होता अगर इंटेलिजेंट नहीं होते तो। ट्रेनिंग में बहुत जल्दी ये ट्रेंड होते हैं, अगर कोई इसे ट्रेनिंग करना चाहे तो बहुत जल्दी ये ट्रेंड होते हैं, तो बहुत ऑल ओवर, मतलब कहूँ तो अगर मेरी ओपिनियन आप माने, मतलब मैं अपनी ओपिनियन आप माने नहीं, मेरी ओपिनियन अगर मैं बोलूँ तो मेरे लाइफ में सिज्जू एंड गोल्डन रिट्रीवर दो मेरे ऐसे ब्रीड हैं कि मैं इनको छोड़ करके तीसरी कोई ब्रीड नहीं करना चाहती। ये क्लाइंट की डिमांड होती है तो मैं एक एक अलग अलग ब्रीड भी रख लेती हूँ, जैसे कि अभी मैंने लैब्राडोर भी रखा है, जर्मन शेफर्ड भी रखा है, एंड बीगल रखा है, एंड जैक रसल टेरियर रखा है, लेकिन ये ब्रीड मेरे पास बहुत कम अवेलेबल होगी,
मैंने पहले भी बताया था कि मैं ट्रेडिंग नहीं करती, मैं सिर्फ मंगवा करके मैं नहीं देती, मेरे घर पे जो बच्चे होंगे मैं सिर्फ वो ही सेल करती हूँ। एंड आपको गोल्डन रिट्रीवर एंड सिज्जू मेरे पास ऑल कभी भी आपको मिल जाएंगे, कभी भी। एंड क्लाइंट की जैसे डिमांड होगी वैसी, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड गोल्डन रिट्रीवर और सिज्जू में इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये दो ब्रीड लोग इतनी ज़्यादा पसंद करते हैं कि मैं थक जाती हूँ, कि मुझे कभी कभी ये कहना पड़ता है कि नहीं अभी मेरे पास डॉग नहीं है, जब मेरे पास डॉग आएंगे आप मेरा नंबर सेव कर लो, मैं स्टेटस रखती हूँ तो आपको मेरे व्हाट्सअप पे मेरा स्टेटस दिख जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट करना, बाकी की जानकारियाँ मैं आपको दे दूँगी। मुझे कभी कभी ऐसा कहना पड़ता है कि मेरे पास अवेलेबल नहीं होते डॉग। मेंशन करना चाहूँगी मार्केट में, जैसे मैंने मेरी प्राइस बताई 20,000, ये 20,000 के बच्चे नहीं हैं मार्केट में, इन बच्चों की 35,000 ये स्टार्टिंग है, पेट शॉप में 35,000 45,000 50,000 इस तरह के प्राइस है, लेकिन मेरी प्राइस हर समय एक ही रहेगी। तो मैम यही चीज़ पेट गुरु के साथ हुई है दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसे आपके लिए ब्रीडर मैं डायरेक्टली ढूंढ के लाता हूं, तो पेट शॉप वालों का कहना है कि हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो। तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि आप लोग अच्छा बिजनेस करिए, अच्छा काम करिए, ऑब्वियसली क्लाइंट जो है वो ज़्यादा पैसा प्रेफर करेगा, भले आपको देगा लेकिन आप उनसे अच्छा काम करिए, ठीक है। तो मेरा तो काम यही है कि मैं पेट हॉबी को जितना हो सके उतने अच्छे से प्रमोट कर सकूँ, ठीक है। और मैंने खुद पेट शॉप का नाम नहीं लूँगा, जिसने पेट गुरु देखी है उन लोगों को पता है 35,000 एंड 37,000 रुपीज़ में भी हमने सिज्जू की प्राइस कोट की है ऑन माय चैनल, मेरी चैनल पे ही दोस्तों हमने की है, तो बहुत ही रिजनेबल रेट में है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद ये रुकने वाले हैं, तो आप लोग फटाफट से मैडम को कॉन्टैक्ट करिए, कुछ दिन के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, बाकी मैडम बता देंगी। और मैं लिंक तो आपको एड्रेस की दे ही देता हूँ उनकी, ठीक है। तो दोस्तों सिज्जू से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मैडम से आप कर सकते हैं। मंथली कॉस्ट मैडम हम बात तो सारी की, लेकिन मंथली कॉस्ट अराउंड क्या होगी, अराउंड एग्जांपल? मैं मंथली कॉस्ट का इसलिए आपको मेंशन नहीं कर सकती, पर्टिकुलर फिक्स नहीं कह सकती, या रेंज में अगर इतने छोटे हैं, या 600 रुपए केजी भी आता है ना, कोई 5,000 केजी भी आता है, राइट। मैं जैसे कि अगर रॉयल कैनन मिल्क इनको देती हूँ, जब ये छोटे होते हैं और मदर का मिल्क कम होता है, तो मैं रॉयल कैनन मिल्क इनको देती हूँ, जिनकी अप्रोक्स 2 किलो की प्राइस आई थिंक 5,500 के आसपास है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का दे रहे हो, जैसे आपने बोला 600 रुपये किलो से लेकर के 5,000 किलो तक, 5,000 तो नहीं था, 3,000 किलो तक भी अवेलेबल है मार्केट में। डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर कि हम किस तरह का, कितना हम इनके पीछे कर सकते हैं, तो इस तरह का है। एक्सपेंस का तो ये है ऑल, तो बाकी तो मुझे नहीं लगता, बाकी तो लोग मेंटेनेंस 3,000-4,000 रुपए दिन के चलना तो हाँ बड़े हो जाएंगे ना जब ये पूरे एडल्ट, छोटे बच्चों का तो इतना तो नहीं आता, छोटे बच्चों पे ग्रूमिंग का भी नहीं आता, फूड का भी नहीं आता। हाँ वैक्सीनेशन तो मस्ट वो आती है, जैसे कि जब 45 डेज के होते हैं तब उनकी फर्स्ट वैक्सीनेशन होती है, ये पपी डीपी, उसके बाद 7-in-1 या फिर 7-in-9 या 11-in-1 डिपेंडेबल, उसके बाद जो रेबिस है, उसके बाद अभी तो बूस्टर डोज भी आ गए हैं, क्लाइंट रिपीट मतलब डॉक्टर रिपीट करते हैं क्लाइंट की क्लाइंट को कि आप करवाइए उनके सेफ्टी के लिए, ताकि उनको वायरल इन्फेक्शन न लगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, ठीक है। हमने ये इन्फॉर्मेटिव एपिसोड बनाने की ट्राई की कि जो सिज्जू पालना चाहते हैं उनके सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएं इसी वीडियो में। अगर फिर भी कुछ रह गए तो या तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मैंने नंबर जो है मैडम के बता दिए थे, आपको वीडियो दोबारा रिपीट करके भी देख लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में होंगे तो आप चेक कर सकते हैं। फाइनली जाते जाते मैडम के नंबर फिर से ले लेते हैं तो आप लोगों को रिवाइज हो जाए। 7777933 ओके, चलिए दोस्तों आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।